तो ब्रज में हर दिन आयोजन होते हैं, लेकिन अगर बात सावन के महीने की हो तो कुछ अलग ही आनंद होता है। ब्रज में सावन के महीने का इन दिन भगवान द्वारिकाधीश मंदिर में घटाओं का आयोजन चल रहा है और हर दिन तरह तरह की घटाओं के बीच विराजमान होकर राजाधिराज अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। सोमवार को भी घटा का आयोजन किया गया। सोमवार की देर शाम को फल और फूल घटा का आयोजन भगवान द्वारिकाधीश मंदिर में किया गया। राजाधिराज को गर्भगृह से बाहर निकाला गया और फल और फूलों से बने हिंडोले में ठाकुर को विराजमान किया गया। ठाकुर के अपने भक्तों को फल और फूल से सजे हिंडोले में बैठकर दर्शन दिए। मंदिर में आने वाले श्रद्धालु द्वारिकाधीश को काफी देर तक निहारते नजर आए। हरियाणा के गुरुग्राम से द्वारिकाधीश के दर्शन करने आए मधु नाम की महिला ने बताया कि हम यहाँ दर्शन करने के लिए पहली बार आए हैं। हमने केवल मथुरा का नाम सुना था और आज देख भी लिया। यहाँ आकर जब हमने भगवान के दर्शन किए तो भगवान की प्रतिमा को फल फूल और सब्जियों से सजाया गया है। भगवान के झूले को कई तरह के फूल फल और सब्जियों से सजाया गया है। दृश्य को देखकर अलौकिक अनुभूति हो रही है और मन को शांति मिल रही है। यहाँ आकर सारे दुख दूर हो गए। द्वारिकाधीश भगवान से यही मांगा कि हम लोग यहाँ बार बार आए हैं और अपने जीवन को उनके चरणों में समर्पित करें। ऊपर जमुना जी में जमुना जी बड़ी चल रही कहां पहुंचेंगे। आगे चलो।